सोमवती अमावस्या पर्व पर आज सुबह उज्जैन में पर्व स्नान हुआ तथा शिप्रा में स्नान के लिए देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं प्रशासन ने शिप्रा के बड़े पुल के पास रणजीत हनुमान से पहले स्थित प्राचीन सोम तीर्थ पर भी फव्वारे लगाकर स्नान की व्यवस्था की थी, जहां पर भी श्रद्धालु विशेष मान्यताओं के चलते स्नान करते दिखाई दिए। इस दौरान शिप्रा का तट हर हर शिप्रे की गूंज से गुंजायमान हो उठा। 57 वर्ष बाद सोमवती हरियाली अमावस्या का संयोग श्रावण मास में बाबा महाकाल की दूसरी सवारी के साथ आया है, जिसमें लाखों श्रद्धालु सोमवती अमावस्या पर सोम तीर्थ और शिप्रा में डुबकी लगाकर बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार यह विशेष संयोग सोमवती हरियाली अमावस्या के पूर्ण काल को लेकर आया है। आज ही बाबा महाकाल की सवारी भी है। इससे पहले यह स्थिति 1966 में बनी थी, तब भी श्रावण में अधिक मास के दौरान सोमवार को अमावस्या का योग बना था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज साधना उपासना दान तथा ग्रहों की अनुकूलता के लिए श्रेष्ठ समय है। श्रावण मास होने के कारण सोमवती अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के स्नान करने आने को लेकर पहले ही प्रशासन ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए थे। यही कारण रहा कि आज सुबह शिप्रा नदी के रामघाट, भूखी माता, गौघाट, सिद्धवट, सोम तीर्थ, मंगलनाथ, केड़ी पैलेस सहित शिप्रा के विभिन्न घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम दिखाई दिए। आज घाट पर SDERF एवं होम गार्ड के 120 जवानों की टीम तैनात थी। आपको बता दें कि स्कंद पुराण में अवंती खंड के 84 महादेव का उल्लेख है, इसमें से एक सोमेश्वर महादेव भी हैं। सोमवती अमावस्या पर सोमेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्थित सोम कुंड में स्नान तथा सोमेश्वर महादेव के दर्शन से जातक की जन्म पत्रिका में पाप क्रांत चंद्रमा का दोष खत्म होता है। इसी क्रम में सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं ने सोमेश्वर महादेव, सोम कुंड और शिप्रा में स्नान के साथ दान पुण्य कर जीवन धन्य किया। सोमवती पर्व स्नान के चलते महाकालेश्वर मंदिर सहित शहर के विभिन्न मंदिरों में आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। यहां सुबह से ही कतारबद्ध होकर भक्तों ने अपने आराध्य देव के दर्शन का लाभ लिया। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों से आस्थावान उज्जैन पहुंच रहे हैं। उज्जैन आने वाली सभी ट्रेनों और बसों में पांव रखने तक की जगह नहीं मिल रही। यही स्थिति शहर में चलने वाले छोटे वाहनों की भी है। आज अत्यधिक भीड़ से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन खचाखच भरा हुआ है। आपको बता दें कि श्रावण मास बेहद ही खास होता है। उज्जैन नगरी में श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं और शिप्रा में डुबकी लगाते हैं। VideoDesk.jeevanjali.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।